हेलो एवरीवन, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने लैक कल्चर में जो लैक इंसेक्ट है उसकी लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी की थी। हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में जो लैक कल्चर पढ़ा था तो उसमें हमने नॉर्मली लैक कल्चर होता क्या है, किस तरह से होता है, हमने डिटेल में स्टेप्स नहीं मेंशन किए थे बट स्टिल हमने एक रफ ओवरव्यू देखा था कि किस तरह से लैक कल्चर होता है, मेल और फीमेल लैक इंसेक्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उसके अलावा लाइफ साइकिल कैसी होती है लैक इंसेक्ट की, कौन कौन से स्टेजेस आते हैं उनके लाइफ साइकिल में, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी प्रीवियस के जो हमारे कुछ वीडियो लेक्चर्स रहे हैं उनमें डिस्कस कर लिया है। आज के वीडियो लेक्चर में हम वो स्टेप्स देखेंगे जो कि लैक कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है या लैक कल्चर में जो स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं। ओके, सो आज के वीडियो लेक्चर जो होगा वो हमारा वो होगा प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द कल्टीवेशन ऑफ लैक। ठीक है, लैक का प्रोडक्शन हो रहा है उसके बाद उसके कल्टीवेशन के लिए कौन कौन से प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से प्रोसेस लगते हैं, कौन से स्टेप्स हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। ओके, सो प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द कल्टीवेशन ऑफ लैक, processes involved in the cultivation of lac. लाख के प्रोडक्शन के लिए कल्टीवेशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो ज़रूरी हैं इनके बारे में हम देखेंगे। टोटल पांच स्टेप में हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहला तो स्टेप है सिलेक्शन ऑफ होस्ट प्लांट। जो होस्ट प्लांट है उसका सिलेक्शन ज़रूरी है कि होस्ट प्लांट में किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो, वो पूरी तरह से हेल्दी हो और भरपूर मात्रा में हो। ठीक है, तो पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ साइट एंड द होस्ट प्लांट्स, सिलेक्शन ऑफ साइट एंड होस्ट प्लांट। अब यहां पे साइट सिलेक्शन का क्या मतलब है? अगर हमें लाख का कॉमर्शियल पर्पस के लिए अगर हमें लाख का प्रोडक्शन करना है तो ज्यादा मात्रा में लाख चाहिए। ज़्यादा मात्रा में लाख चाहिए तो ज़्यादा मात्रा में कीड़े होंगे, और ज़्यादा मात्रा में अगर कीड़े होंगे तो उन्हें ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए। वो न्यूट्रिशन उन्हें इन होस्ट प्लांट से मिलेगा जिनके बारे में हमने पढ़ा था, कुसुम प्लांट, रंजनी प्लांट, बेर का प्लांट, ये सारे जो प्लांट हैं, प्लम जो है, ये सारे प्लांट जो हैं इनसे न्यूट्रिशन मिलता है इन्हें। ठीक है, तो ज़्यादा मात्रा में जहाँ पे पेड़ होंगे ये सारे, या फिर उनको ग्रो करवाया जाएगा किसी फील्ड में, क्रॉप फील्ड में इन पेड़ों को ग्रो करवाया जाएगा, उस पे लैक के कीड़े जो हैं, लाख के कीड़े वो छोड़े जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा मोटिव होता है उस जगह को चूज़ करना जहाँ पे भरपूर मात्रा में होस्ट प्लांट मौजूद हों, पूरी तरह से हेल्दी हों, जो होस्ट प्लांट है वो पूरी तरह से हेल्दी हो, उनमें किसी प्रकार का कोई डिजीज ना हो, उनमें किसी प्रकार की कोई खराबी ना हो। अगर उनमें खराबी होगी तो उनसे न्यूट्रिशन लेंगे तो कीड़े भी जो है बीमार पड़ेंगे, उनकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ साइट एंड द होस्ट प्लांट। अब सूटेबल साइट और होस्ट प्लांट का सिलेक्शन जो है बहुत ज़रूरी है। ओके, सेकेंड अगर अपन देखें, अच्छा एक चीज़, जो होस्ट प्लांट है वो क्विक ग्रोइंग होना चाहिए। कुछ पॉइंट्स चलो लिख लेते हैं। होस्ट प्लांट मस्ट बी क्विक ग्रोइंग, होस्ट प्लांट जो है उसकी ग्रोथ जल्दी हो सके वैसा होस्ट हमें चूज करना है। ठीक है, किस क्वालिटी का, किस क्वांटिटी का लैक मिलेगा ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि होस्ट कैसा है। ठीक है, प्लांट कैसा है, अगर प्लांट अच्छा है, प्लांट में कोई डिजीज़ नहीं है तो लैक की क्वालिटी भी अच्छी होगी, लैक की क्वांटिटी भी अच्छी होगी। ठीक है, सो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लैक इज डिपेंडेंट ऑन होस्ट प्लांट। Lack is dependent on host plant. Host plant पर निर्भर करता है कि लाख की क्वालिटी कैसी होगी या फिर उसकी मात्रा कितनी होगी। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें,
पौधा ऐसा होना चाहिए, पेड़ ऐसा होना चाहिए जो कि ज़्यादा मात्रा में कीड़ों को उसका इन्फेस्टेशन बर्दाश्त कर सके। मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में कीड़े अगर उसके पास आ गए स्वार्मिंग के बाद, तब भी वो होस्ट प्लांट जो है वो उसको झेल सके, ठीक है। सो एबल टू विथस्टैंड हैवी इन्फेस्टेशन, एबल टू विथस्टैंड हैवी इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में कीड़ों का आ जाना एक पर्टिकुलर प्लेस पे, ठीक है। हैवी इन्फेस्टेशन ऑफ द लैक इंसेक्ट, ऑफ लैक इंसेक्ट, ठीक है। सो होस्ट प्लांट जो है क्विक ग्रोइंग होना चाहिए। क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो लाख का वो होस्ट प्लांट पे निर्भर करता है, और होस्ट प्लांट इतना एबल होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लैक इंसेक्ट भी अगर उसके ऊपर जाके उसके सैप को सक कर रहे हैं, तब भी होस्ट प्लांट जो है टिका रहे, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें, जितने भी होस्ट प्लांट्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाने वाला होस्ट प्लांट कौन कौन से हैं? एक तो कुसुम है, दूसरा क्या कहते हैं पलास है। होस्ट प्लांट्स की बात करें तो कुसुम, पलास, उसके साथ ही साथ कुसुम हो गया, पलास हो गया, बेर हो गया, सिरस हो गया, बेर, सिरस, ये सारे प्लांट्स जो हैं ये सब यूज़ किए जाते हैं लैक प्रोडक्शन में, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें, जो कुसुम प्लांट है इस पे ग्रो होने वाला जो लाख है वो सबसे कॉस्टली होता है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा डिमांड मार्केट में उसी लाख की होती है, ठीक। तो कुसुम प्लांट पे उगा हुआ जो भी लाख है, कुसुम प्लांट पे कल्टीवेटेड जो लाख होगा उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, सबसे ज़्यादा उसी की बिक्री होगी, ठीक। पहला स्टेप हो गया सिलेक्शन एंड साइट, सिलेक्शन ऑफ साइट एंड होस्ट प्लांट, होस्ट प्लांट का और साइट का सिलेक्शन करना। दूसरा स्टेप आता है प्रूनिंग, सेकेंड स्टेप है प्रूनिंग। प्रूनिंग क्या होता है? हम जो भी होस्ट प्लांट ले रहे हैं उस होस्ट प्लांट को एक स्पेसिफिक तरीके से कट करना, एक स्पेसिफिक तरीके से उसको काटना छाटना, इस चीज़ को, इस काम को प्रूनिंग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रूनिंग किस तरह से होती है? नॉर्मली क्या होता है, होस्ट प्लांट जो है उसके जितने भी एक्स्ट्रा ब्रांचेज हैं, एक्स्ट्रा ब्रांचेज मतलब छोटे छोटे ब्रांच अगर उसमें निकले हुए हैं, छोटे छोटे माइनर ब्रांच निकले हुए हैं, उन सबको कट करके अलग कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे होता है? सबसे पहले तो जो भी ब्रांचेज निकले हुए हैं वो अगर वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे हैं, अगर वो ब्रांचेज जो हैं थोड़े से भी बड़े हैं तो उनकी प्रूनिंग नहीं होगी, ओके। ब्रांचेज अगर थोड़े से भी लंबे हैं तो उनकी प्रूनिंग नहीं होगी। अब यहाँ पे अपन प्रूनिंग के बारे में पढ़ते हैं, प्रूनिंग क्या क्या करते हैं। सबसे पहले तो होता कब है? ये जब भी इनोकुलेशन किया जाएगा, प्लांट पे जब कीड़े रखे जाएंगे उसके 6 से 12 महीने पहले किया जाता है। जनरली डन 6 to 12 मंथ्स बिफोर इनोकुलेशन। इनोकुलेशन के 6 से 12 महीने पहले तक जो प्रूनिंग का काम है वो कर लिया जाता है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स है इसके बारे में क्या कहते हैं ख्याल रखना पड़ता है प्रूनिंग के समय। एक्सेसिव कटिंग को या एक्सेसिव प्रूनिंग को अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड एक्सेसिव प्रूनिंग। मतलब जो भी होस्ट प्लांट है उसको कट करना है, उस पर एक्स्ट्रा जो ब्रांचेस है उसको हटानी है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप प्रूनिंग कर दो, बहुत ज़्यादा उसको क्लीन कर दो, नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। हमें प्लांट का जनरल हेल्थ जो है उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। सो इन मेंटेनिंग दिस हेल्प इन मेंटेनिंग द जनरल हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ प्लांट। मतलब
यहाँ पे अगर हम बहुत ज़्यादा प्रून कर देंगे तो एक तो वो जो प्लांट की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, अगर कट करते जाओगे तो प्लांट कमज़ोर होता जाएगा, तो हमें प्लांट को कमज़ोर भी नहीं करना और उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, सिर्फ पुराने ब्रांचेस को कट किया जाता है, ठीक है, सिर्फ पुराने ब्रांचेस को कट किया जाता है, और कोई भी ब्रांच अगर 2 इंच से ज़्यादा लंबा है या उसका डायमीटर 2 इंच से ज़्यादा है उसको कट नहीं किया जाएगा। उससे छोटे ब्रांचेस होंगे, सोचो कितने छोटे छोटे ब्रांच, 2 इंच से अगर बड़ा हो गया, 2 इंच से ज़्यादा या 2 इंच से ज़्यादा चौड़ा हो गया तो उस ब्रांच को कट नहीं किया जाएगा। उससे छोटे जो ब्रांचेस होंगे उनको सिर्फ कट किया जाएगा और सिर्फ ओल्ड ब्रांचेस को कट किया जाएगा। सो कट ओनली ओल्ड ब्रांचेस। ओल्ड ब्रांचेस, सिर्फ पुराने ब्रांचेस को कट किया जाता है, 2 इंच से ज्यादा अगर साइज हो गया या डायमीटर हो गया तो उनको कट नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो अगर कोई भी ऐसा ब्रांच है जो बीच में से कटा हुआ है, कोई भी ऐसा ब्रांच है जो 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, उसको कट करके अलग कर दिया जाता है। ठीक है, कट द स्प्लिट और ब्रोकन ब्रांचेस, कट द स्प्लिट और ब्रोकन ब्रांचेस। स्प्लिट ब्रांचेस मतलब बीच में से टूटे हुए, ठीक है, बीच में से अलग हुए हुए या फिर टूटे हुए ब्रांचेस, वैसे ब्रांचेस को या आधे टूटे हुए जो ब्रांचेस होते हैं वैसे ब्रांचेस को कट करके अलग कर दिया जाता है। तो इस तरह से प्रूनिंग होती है। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास इस तरह से एक प्लांट है जिसमें यहाँ पे एक शाखा, ये छोटी सी शाखा निकली हुई है, यहाँ पे एक निकला हुआ है, ठीक है, तो हमने यही बोला कि 2 इंच या 2 इंच से ज़्यादा अगर है साइज तब तो इसको नहीं कट करेंगे, बट अगर छोटा है तब इसको कट किया जा सकता है। जैसे कि ये अगर बहुत बड़ा टहनी है, ठीक, तो फिर इसको कट नहीं किया जाएगा, ओके, बट अगर छोटे हैं तो इनको काट के अलग कर दिया जाएगा ताकि प्लांट जो है वो स्ट्रेट हो। अगर ये छोटा है तो इसको काट के अलग किया जाएगा ताकि प्लांट जो है स्ट्रेट हो, जितना स्ट्रेट हो उतना अच्छा है। तो प्रूनिंग जो है इस तरह से की जाती है। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा ब्रांचेज हैं अगर वो पुराने हो गए हैं या किसी भी ब्रांच में डिजीज़ है उसको कट करके अलग कर दिया जाता है। कोई ब्रांच बीच में से स्प्लिट किया हुआ है, बीच में से टूटा हुआ है, उसको कट करके अलग कर दिया जाता है। बट अगर कोई भी ब्रांच हेल्दी है, 2 या 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबा, 2 या 3 इंच से ज़्यादा लंबा है, उसको छोड़ दिया जाता है उस पर, क्योंकि लाख के कीड़े जो है उस पर जा सकते हैं, वहाँ से न्यूट्रिशन ले सकते हैं। पर बहुत पतले कमज़ोर ब्रांच है उनमें लाख के कीड़ों का वजन जो है वो ब्रांचेस नहीं उठा पाएंगे, इसलिए उनको कट करके अलग कर दिया जाता है। और एक जो प्लांट है उसकी प्रूनिंग कंप्लीट करके फिर उसके बाद उसमें इनोकुलेशन करवाई जाती है। ठीक है, प्रूनिंग के बाद थर्ड पॉइंट आता है आपका इनोकुलेशन, मतलब अब जो लाख के कीड़े हैं इनका टाइम आ गया है इनको इंट्रोड्यूस करवाने का, इससे प्लांट के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाने का, होस्ट प्लांट के ऊपर। सो अब लाख के कीड़ों को होस्ट प्लांट के ऊपर रखा जाएगा, और लाख के कीड़ों को नहीं, लाख के अंडों को रखा जाएगा। इनोक्यूलेशन कैसे होता है अभी मैं बताता हूँ। थर्ड पॉइंट है अपना इनोक्यूलेशन। बहुत यूनिक सा प्रोसेस है, ध्यान से इसको सुनना। इनोक्यूलेशन जो है ना वो कल्टीवेशन का पहला स्टेप है, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है, अब यहां पे होता क्या है, इनोक्यूलेशन का मतलब होता है कि जो यंग वंस हैं, जो नए कीड़े हैं, वो पेड़ से जाके चिपक जाएंगे और उसका रस जो है वो चूसने लगेंगे और लाख का प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। ठीक है, इनोक्यूलेशन का मतलब होता है कीड़े को आ जाना और पेड़ से चिपक जाना और अपना न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देना। अब ये होता कैसे, ठीक है, इनोक्यूलेशन 2 तरीकों से होता है, एक होता है नेचुरल इनोक्यूलेशन, ठीक है, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इनोक्यूलेशन। इनोक्यूलेशन जो है 2 प्रकार से होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल इनोक्यूलेशन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेचुरल इनोक्यूलेशन का मतलब होता है
जब जो कीड़े हैं वो खुद एक जगह चले जाएं। नेचुरल इनोकुलेशन का मतलब होता है कि कीड़े जो हैं वो खुद एक जगह, मतलब दैट मीन्स कि हमने क्या पढ़ा था, फीमेल होती है, फीमेल के ऊपर लैग सेल होता है, उस लैग सेल के अंदर ही फीमेल अंडे देती है, अंडे वहीं पे 6 हफ्ते तक क्या होते हैं, 6 हफ्ते तक वो वहाँ पे हीट में रहते हैं, उसके बाद उनकी हैचिंग होती है, उसके बाद वो लार्वा जो होते हैं बाहर निकलते हैं, ठीक है, इतना हमने पढ़ा था। तो अंडों की जब हैचिंग हो जाती है उसके बाद जब लार्वा खुद बाहर निकले, ठीक है, उसी पेड़ पे, जिस पेड़ पे अंडे दिए गए उसी पेड़ पे, जिस पेड़ पे अंडे दिए गए उसी पेड़ पे लार्वा बाहर निकले और अपने लिए एक जगह खोज ले और वहाँ पे जाके सेटल हो जाए और वहाँ से न्यूट्रिशन लेने लगे, इसको अपन बोलते हैं नेचुरल इनोक्यूलेशन, ठीक है। नेचुरल इनोक्यूलेशन बोलते हैं जब जिस पेड़ पे लार्वा का जन्म हुआ, जिस पेड़ पे अंडे दिए गए उसी पेड़ पे वो लार्वा जो है बाहर निकलेगा अपने सेल से, लैग सेल से, बाहर जाके अपने लिए एक जगह ढूंढेगा और वहाँ पे जाके चिपक जाएगा, दैट इज़ नोन एज नेचुरल इनोक्यूलेशन। नाउ आर्टिफिशियल इनोक्यूलेशन क्या होता है, आर्टिफिशियल इनोक्यूलेशन में छोटे छोटे पेड़ के डालियों को कट किया जाता है जहाँ पे वो अंडे मौजूद हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इनोक्यूलेशन की बात करें, ट्विग्स बियरिंग लार्वा आर कट डाउन। ट्विग्स किसको बोल रहे हैं, वो जो भी होस्ट प्लांट है जिसपे फीमेल ने अंडे दिए हैं उसका एक छोटा सा पोर्शन, जहाँ पे अंडे मौजूद हैं उसका एक छोटा सा 10-12 इंच का पोर्शन, उसको कट कर लिया जाता है, उसको कट करके निकाल लिया जाता है। वहाँ पे क्या मौजूद है, वहाँ पे अंडे मौजूद हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, ट्विग्स जो है उनको काट लिया जाता है, ट्विग्स किसको बोलते हैं, वो जो पेड़ का छोटी सी टहनी जिसको कट किया गया उसको बोलते हैं, छोटा सा होता है ट्विग, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया जाता है, इस ट्विग को बांध दिया जाता है एक पर्टिकुलर पेड़ के साथ, होस्ट प्लांट के साथ इसको अटैच कर दिया जाता है, ओके। सो यहाँ पे आपके पास होस्ट प्लांट है, ये आपका होस्ट प्लांट है कोई, ठीक है। अब होस्ट प्लांट पे ट्विग को अटैच कर दिया जाएगा, होस्ट प्लांट पे ट्विग को जो अटैच किया जाएगा वो किस तरह से रहेगा, यहाँ पे आपके पास एक ट्विग है छोटा सा जिसके पास ऊपर जो इंसेक्ट है वो मौजूद है। सो ट्विग कैसे करेगा, अगर छोटा सा आपके पास प्लांट है उसके ऊपर इंसेक्ट मौजूद है, यहाँ पे इसके एग्स मौजूद हैं सारे, ठीक है। अब इसको इससे अटैच कर दिया जाएगा, किसी भी रोप के सहारे इसको इससे अटैच कर दिया जाएगा। जब आप चीज़ आप एक चीज़ ध्यान रखना, अंडों में से जब लार्वा बाहर निकलते हैं तो वो मूवेबल होते हैं, जो फीमेल होती है वो नॉन मूवेबल होती है, बट जो लार्वा होते हैं वो मूवेबल होते हैं। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब लार्वा बाहर निकलेंगे उसके बाद वो मूव कर सकते हैं, जिसको अपन स्वार्मिंग बोलते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था। सो लार्वा यहाँ पे मूव करेंगे और लार्वा अपने अपने अकॉर्डिंग, जो भी प्लांट है होस्ट प्लांट उसके ऊपर अपने न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग जगह खोज लेंगे एंड वहाँ पे अटैच हो जाएंगे, ओके। सो ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो आर्टिफिशियल ट्विगिंग में आता है और नेचुरल इनोकुलेशन, ये दो टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। नेचुरल इनोकुलेशन में जो भी लार्वा है वो पर्टिकुलर जिस प्लांट पे उनका जन्म हुआ रहता है वहीं पे वो जाके अपने लिए न्यूट्रिशनल जगह जो है खोज लेते हैं। बट जो आर्टिफिशियल इनोकुलेशन है वहाँ पे क्या होता है, एक ट्विग कट किया जाता है प्लांट से, उसको होस्ट प्लांट के साथ जोड़ा जाता है, फिर जब लार्वा निकलते हैं वो स्वार्मिंग करते हैं और एक जगह पे जाके स्थित हो जाते हैं, ओके। सो ये पूरा प्रोसेस होता है इनोकुलेशन का। उसके बाद बात करें फोर्थ पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट होता है आपका स्वार्मिंग, ओके। स्वार्मिंग आर्टिफिशियल इनोकुलेशन जब हमने पढ़ा तो उसमें स्वार्मिंग पढ़ा था। स्वार्मिंग के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि जब बहुत सारे लार्वा एक साथ मूव करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जहां पे वो जाके अटैच होंगे और वहां से न्यूट्रिशन गेन करेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्वार्मिंग, ठीक है। तो स्वार्मिंग क्या होगा, अब मान लो आर्टिफिशियल तरीके से हमने इनोकुलेशन करवाया, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से हमने इनोकुलेशन कराया, मतलब कि हमने एक छोटा सा ट्विग काटा, उसको होस्ट प्लांट के साथ अटैच कर दिया, लार्वा जो है अब निकले अंडों से, उसके बाद वो मूव करना स्टार्ट किए, जब वो मूव करना स्टार्ट करेंगे उस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्वार्मिंग, ठीक है। तो स्वार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब इसमें होता क्या है,
लैक सेल के अंदर वो लार्वा मौजूद है, वो लार्वा भी लैक सेल के अंदर मौजूद है, चिपके हुए हैं। उन लार्वा का मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है वो लार्वा जो है जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट से चिपके हुए थे वहां से निकल जाते हैं। दैट मीन्स कि फीमेल ने जब अंडे दिए तो वो लैक सेल के अंदर दिए, लैक सेल के अंदर ही अंडे आए, लैक सेल के अंदर ही लार्वा निकला। वो जब लार्वा निकलता है तो वो उस लैक सेल की जो सतह है उससे चिपका हुआ रहता है, ठीक है। जब उसको स्वार्मिंग करनी होती है तो वो अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है उस सतह से वो अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे ही अलग होता है फिर वो बाहर निकल के आता है और होस्ट प्लांट के ऊपर जाता है, होस्ट प्लांट पे जाके अपने लिए एक फिक्स स्पॉट चूज करता है, उसके बाद वहाँ पे चिपक जाता है। डिपेंड करता है वो मेल लार्वा है या फीमेल लार्वा है। अगर मेल लार्वा हुआ तो कुछ समय के बाद वो मूव कर पाएगा, फीमेल लार्वा हुई तो वो परमानेंटली वहीं पे चिपक जाएगी, उसके बाद उसका मूवमेंट लाइफ टाइम नहीं होगा, ओके। तो ये प्रोसेस होता है स्वार्मिंग का। अब फाइनली प्रोसेस आता है हार्वेस्टिंग ऑफ लैक, फिफ्थ प्रोसेस आता है हार्वेस्टिंग ऑफ लैक। हार्वेस्टिंग ऑफ लैक मतलब अब इतना प्रोसेस हो गया, लैक का प्रोडक्शन कीड़ों ने कर दिया, अब उस लैक को हार्वेस्ट करना है, ठीक है। अब हार्वेस्टिंग ऑफ लैक या फिर कलेक्टिंग ऑफ लैक हम इसको बोल सकते हैं, दो प्रोसेसेस से कंप्लीट हो सकता है या दो तरीकों से ये जो प्रोसेस है कंप्लीट हो सकता है। दो तरीकों का होता है, एक होता है इमैच्योर हार्वेस्टिंग, दूसरा होता है मैच्योर हार्वेस्टिंग, ठीक है। हार्वेस्टिंग ऑफ लैक की बात करें तो दो तरीके से होता है, ये है एक इमैच्योर हार्वेस्टिंग और दूसरा है मैच्योर हार्वेस्टिंग। इमैच्योर हार्वेस्टिंग और मैच्योर हार्वेस्टिंग में क्या अंतर होता है, ठीक है। स्वार्मिंग से पहले की गई हार्वेस्टिंग जो है इमैच्योर हार्वेस्टिंग कहलाती है, बहुत सिंपल सी चीज। हार्वेस्टिंग बिफोर स्वार्मिंग इट इज इमैच्योर हार्वेस्टिंग। सो हार्वेस्टिंग बिफोर स्वार्मिंग, स्वार्मिंग से पहले की गई हार्वेस्टिंग जो है इमैच्योर हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टिंग बिफोर स्वार्मिंग इज इमैच्योर हार्वेस्टिंग एंड मैच्योर हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग आफ्टर स्वार्मिंग। स्वार्मिंग के बाद की गई हार्वेस्टिंग जो है वो मैच्योर हार्वेस्टिंग कहलाती है, स्वार्मिंग से पहले की गई हार्वेस्टिंग जो है वो इमैच्योर हार्वेस्टिंग की जाती है। इमैच्योर हार्वेस्टिंग से प्राप्त जो लैक होता है उसको एराई लैक कहते हैं, ARILAC, एराई लैक। मतलब इमैच्योर हार्वेस्टिंग से प्राप्त जो लैक होगा वो एराई लैक होगा। एराई लैक जो है वो नॉर्मली पलास के जो प्लांट्स हैं उसके ऊपर उगाया जाता है, ठीक है। पलास जो है नॉर्मली होस्ट रहता है एराई लैक का। तो इमैच्योर हार्वेस्टिंग अगर करनी हो तो कौन से पौधे पे होती है, पलास के, ठीक है। पलास के क्या कहते हैं प्लांट पे इमैच्योर हार्वेस्टिंग की जा सकती है। स्वार्मिंग से पहले जो है ये जो लैक है इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। अब ये जो इमैच्योर हार्वेस्टिंग है इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। सबसे पहले तो अगर हम इमैच्योर हार्वेस्टिंग करेंगे तो इसमें कीड़ों के मरने का सबसे ज़्यादा खतरा है। कीड़ों के मरने का खतरा क्यों है, क्योंकि उसके अंदर फीमेल भी रहेगी, उस लैक के अंदर, उसके अंदर फीमेल के साथ साथ जो अंडे रहेंगे वो भी रहेंगे, तो कीड़ों के मरने का खतरा ज़्यादा है, ठीक है। इमैच्योर हार्वेस्टिंग में कीड़े जो हैं मर जाते हैं तो कल्टीवेटर्स को लॉस हो सकता है। मैच्योर हार्वेस्टिंग की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, मैच्योर हार्वेस्टिंग में लैक सेल तो बना हुआ है, उसके बाद कीड़े जो है उसमें से बाहर निकल गए, वो दूसरी जगह चले गए, वहाँ पे फिर उन्होंने लैक प्रोडक्शन किया, फिर उनके जो एग्स हुए वो बाहर निकल के चले गए। तो इस तरह से मैच्योर हार्वेस्टिंग जो है वो ट्विक की मदद से होती है, और हार्वेस्टिंग जो है साल में दो बार की जा सकती है। यहाँ पे क्या होता है, जो मैच्योर हार्वेस्टिंग होती है उससे जो हमें प्रोडक्ट निकल मिलता है मैच्योर हार्वेस्टिंग से, उसको हम नॉर्मली ब्रूड लैक या फिर स्टिक लैक कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं, सबसे पहले तो साल में दो बार ये हार्वेस्टिंग की जा सकती है, ठीक है। और जिस ट्विग पे लैक जो है अंडों के साथ मौजूद होता है, जो भी ट्विग हमने यहाँ पर लगाया था, ये ट्विग जो लगाया था ना जिसमें लैक भी मौजूद, फीमेल भी मौजूद थी, उसके अंडे भी मौजूद थे, लार्वा, ये सारी चीज़ें मौजूद थी, उसको हम बोलते हैं ब्रूड लैक स्टिक, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रूड लैक स्टिक, ये है ब्रूड लैक स्टिक।
और इस हार्वेस्टिंग के बाद, मैच्योर हार्वेस्टिंग के बाद जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है, दैट इज ब्रूड लैक या फिर स्टिक लैक हम इसको बोलते हैं, ब्रूड लैक या स्टिक लैक हमें प्राप्त होता है, ब्रूड लैक या फिर इसको आप बोल सकते हो स्टिक लैक, ठीक है, ब्रूड लैक प्राप्त होता है या फिर स्टिक लैक जो है वो प्राप्त होता है, ठीक है। सो आपको इमैच्योर और मैच्योर हार्वेस्टिंग में एक छोटी सी चीज ही याद रखनी है कि इमैच्योर हार्वेस्टिंग होती है जहां पे स्वार्मिंग से पहले हार्वेस्ट कर लिया जाता है, मैच्योर हार्वेस्टिंग होती है जहां पे स्वार्मिंग के बाद हार्वेस्ट किया जाता है। ओके, सो आज का वीडियो इतना ही था, जहां पे हमने प्रोसेसेस पढ़े, टोटल 5 प्रोसेसेस पढ़े जो कि लैक कल्चर में यूज किए जाते हैं लैक ऑब्टेन करने के लिए। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम प्रोसेसिंग पढ़ेंगे कि जो लैक हमें मिला हार्वेस्ट करने के बाद, जो लैक मिला उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, किस तरह से उस लैक को कमर्शियली यूज किया जाता है, और कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं जो कि लैक के कीड़े से, लाख के कीड़े से हमें मिलते हैं, ये सब हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पर ओवर करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो आप इसको अच्छे से देखिए वीडियो को, एंड देन उसके बाद इसके नोट्स बनाइए, और लैक कल्चर के जो भी टोटल नोट्स हैं उसके अलावा भी जो कल्चर मेथड्स हमने पढ़े सबके नोट्स आप बना के रखिए, एग्जाम टाइम में आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी और आप आसानी से याद कर पाएंगे। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लैक कल्चर की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।